मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको पान के पौधे की देखभाल हम किस तरह से करें बस यही बताने वाली हूँ, ताकि आपका पान का पौधा बिल्कुल भी ख़राब ना हो और सालों साल चले। तो यहाँ पर मैंने पान का एक छोटा सा पौधा लगाया था। अब इसकी बेल थोड़ी सी लंबी हो गई, आप देख सकते हैं। मैंने एक ऐसी वुडन स्टिक लगा दी थी दोस्तों, परंतु अब इसकी बेल थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अब मुझे ज़रूरत है इस लकड़ी को हटा दूँ और इस लकड़ी की जगह मैं लगाऊँ मॉस स्टिक। मॉस स्टिक आप चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं। बस ये जो वुडन लकड़ी है दोस्तों, इसे हटाकर आप इसमें जो जूट का कपड़ा होता है, जिसे हम बोरी बोलते हैं दोस्तों, बोरी जिसमें हमारा चावल गेहूं आता है, बस आप चाहें तो बोरी लपेटकर घर पर ही मॉस स्टिक बना सकते हैं और चाहें तो बाजार से ले लें। तो मैंने ये वुडन स्टिक को अब हटा दिया है और इसकी जगह मैं मार्केट से ही मॉस स्टिक खरीद कर लाई हूं। मॉस स्टिक लगाने से पान की बेल की हर पत्ती को बहुत आसानी से मॉइस्चर मिलता रहता है, नमी मिलती रहती है, और मॉइस्चर और नमी मिलने से हर पत्ती से अलग अलग जड़ें आती हैं दोस्तों, और हर जड़ों से जो होता है दोस्तों, उसमें अलग अलग अगर रूट आएंगी तो आप चाहें तो इन पौधों को अलग अलग कर सकते हैं, अलग गमले में लगा सकते हैं, और इससे पान का पौधा हेल्दी होता है क्योंकि सभी पत्तियों में से जड़ें आती हैं। तो ये जो पान की बेल है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं इसे इस मॉस स्टिक में चारों तरफ हल्का हल्का सा लपेट दूंगी, बिल्कुल हल्के हाथ से लपेटें। और 4-5 इंच लपेटने के बाद आप इसे जूट के धागे से या फिर जो हम बोरा होता है, बोरे के ही धागे से आप इसे बांध सकते हैं ताकि थोड़ा सा सहारा मिले। उसके बाद तो ये बेल अपने आप ही मॉस स्टिक से चिपक जाएगी। आज हम पहली बार मॉस स्टिक लगाए हैं। ये बोरा होता है ना दोस्तों, जिसमें चावल और गेहूं आता है, उसी का एक धागा मैंने निकाल लिया है। प्लास्टिक का आपको प्लास्टिक की डोरी बिल्कुल नहीं लेना है, इसे हटा दें। और ये देखिए, थोड़ा सा इस तरह से इसे सपोर्ट दूंगी मैं, ताकि अच्छी तरह से मॉस स्टिक से पान की जो बेल है वो लिपट जाए और इसकी एक एक पत्तियों में से जड़ें निकलती हैं, और जो एक एक पत्तियां होती हैं आप इन्हें सेपरेट अलग अलग गमले में भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हर पत्तियों में से जो जड़ें निकलती हैं दोस्तों, खासकर मॉस स्टिक में जब वो चिपकी रहती हैं तभी उनकी जड़ें हेल्दी रहती हैं, और जड़ें हेल्दी होंगी तो हर पत्ती अपना खाना खुद बनाएगी, और जब पत्तियां खाना खुद बनाती हैं तो पत्तियों का साइज़ बहुत अच्छा होता है, और साइज़ अच्छे होने से पान की बेल चारों तरफ से फैलने लगती है, नए नए शूट्स आते हैं, नए नए लीफ्स आती हैं। तो पान के पौधे के लिए मॉस स्टिक बहुत ज़रूरी है, आप घर पर भी बना सकते हैं। मैंने बहुत पहले वीडियो भी शेयर किया है, जूट के कपड़े से ही लपेट कर दिखाया है। पूरे समय मॉस स्टिक में मॉइस्चर होना ज़रूरी है, समय समय पर इस मॉस स्टिक को आप गीला करते रहें, इनमें नमी होना ज़रूरी है। पान के पौधे को ह्यूमिडिटी पसंद है, नमी पसंद है, परंतु सनलाइट पसंद नहीं है, बिल्कुल पार्शियल सनलाइट चाहिए। आप चाहें तो इसे कभी कभी घर के अंदर भी रख सकते हैं या हल्की सी रोशनी पड़े, और ख़ासकर समर सीज़न में आप इसे बहुत बचाएँ, खासकर दोपहर की धूप से। दोपहर की धूप इसके लिए अच्छी नहीं होती है। और पान का जो पौधा होता है दोस्तों, बिल्कुल मनी प्लांट के जैसा होता है। जैसे कि हम मनी प्लांट को कटिंग से कैसे लगाते हैं दोस्तों, एक मनी प्लांट की पत्ती लेते हैं, छोटा सा उसका स्टेम लेते हैं, और उसके बाद हम उस मनी प्लांट की कटिंग को मिट्टी में लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं, बिल्कुल उसके जैसा ही नेचर होता है पान के पौधे का। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं दोस्तों, और बहुत आसानी से ये कटिंग से पानी में भी लग जाता है, मिट्टी में तो खैर लग ही जाता है। तो जैसे मनी प्लांट की आप एक डंडी काटते हैं, एक स्टेम काटते हैं, बस वैसे ही काटें और बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा, कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और मनी प्लांट को एसिडिक सोइल पसंद है, एसिडिक सोइल दोस्तों, तो उसके लिए आप इसमें जैसे फर्टिलाइज़र देंगे, आप चाहें तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। आप देखिए पान के कितने सारे मेरी अलग अलग पत्तियाँ अलग अलग तरह से पौधे के रूप में बदल रही हैं। सभी को आज से मैं मॉस स्टिक में ही लपेटूंगी जैसे ही ये बड़ी होंगी। तो बहुत छोटा सा पौधा लगाया था, केवल एक मैंने पान की पत्ती लगाई थी दोस्तों, और शायद इसका वीडियो भी मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था। और अभी मैंने इसे बहुत दिनों से, ये जो मेरा पान का पौधा है, डंडी के सहारे था, लकड़ी की डंडी के सहारे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसकी जड़ें जो है डेवलप नहीं हो रही थी। परंतु मॉस स्टिक में जब हम इसे सहारा देते हैं पान के पौधे को, चाहे मनी प्लांट को, तो मॉस स्टिक से इसकी एक एक पत्तियों से जो जड़ें निकलती हैं वो चिपक जाती हैं, और चिपक जाती हैं तो उन्हें पूरे समय मॉइस्चर मिलता है, ह्यूमिडिटी जैसे मैंने आपको बताया,
पान के पौधे को बहुत पसंद है। हल्का सा पानी डालें, पूरे समय इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होना ज़रूरी है। और जब जैसे ही ठंड का मौसम आता है दोस्तों, पान का पौधा डोरमेसी पीरियड में चला जाता है। तो ये देखिए, एक पान की कटिंग करके दिखा रही हूँ, जो नोड एरिया है ना दोस्तों, बस वहाँ से मैंने कटिंग की है। आप चाहें तो नोड एरिया से थोड़े से स्टेम को ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने नोड एरिया के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा और लिया, क्योंकि यहीं से ही जड़ निकलना शुरू होते हैं और नए नए शूट्स बनना शुरू होते हैं। तो आप दो तीन इस तरह से कटिंग लगाएं, हो सकता कोई एक कटिंग बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कटिंग लगाई थी, 15 से 20 दिन हो गए हैं। अब आप इस कटिंग को देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसमें रूट का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। बहुत आसानी से पान की एक एक डंडियों से, स्टेम से जड़ें निकल जाती हैं। अब इसको ज़रूरत है मिट्टी की। अब आप इसे पानी में ना लगाएं, क्योंकि अब इसे पोषक तत्व चाहिए। किसी भी गमले में लगाएं, मिट्टी में लगाएं, साधारण सा पॉटिंग मिक्सर तैयार करें। पॉटिंग मिक्सर में नमी होना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम एक सप्ताह तक इसे मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने के बाद आप इसे नमी वाली जगह पर रखें और सनलाइट से बचाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें।